आखिर खटाई में पड़ सकती है भारत पाक विदेश सचिव स्तर की बातचीत। सूत्रों के हवाले से खबर, पठानकोट हमले के बाद भारत का पाकिस्तान को अल्टीमेटम, कहा जैश ए मोहम्मद के खिलाफ 72 घंटे में हो कार्रवाई। पठानकोट में तीसरे दिन भी फायरिंग, छिपे हुए आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। एनआईए की शुरुआती जांच में खुलासा, एयरफोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाने आए थे आतंकी। बेंगलुरु में पठानकोट हमले के शहीद निरंजन के अंतिम दर्शन, सीएम सिद्धारमैया ने दी श्रद्धांजलि। हरियाणा में शहीद गुरसेवक को नम आंखों से दी विदाई। मणिपुर में फिर से महसूस किए गए भूकंप के झटके, नॉर्थ ईस्ट समेत 11 राज्यों में भूकंप से नुकसान, 6 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा घायल। पीएम ने हालात की जानकारी ली। मेरठ में चोर को महंगी पड़ी चोरी, मोबाइल चुराने पर भीड़ ने सरेआम की जमकर धुनाई, मूक दर्शक बनी रही पुलिस। फतेहपुर में फेसबुक पर गंदी बात, महिला शायर का अकाउंट हैक कर कॉल गर्ल के तौर पर कर दिया बदनाम। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सर्व शिक्षा अभियान की अनदेखी, सरस्वती शिशु मंदिर ने 2 बच्चों को स्कूल से निकाला, फीस जमा नहीं होने पर स्कूल में बंद कर दी एंट्री। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले का असली टेस्ट आज, वर्किंग डे के चलते ट्रैफिक कंजेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट समेत मेट्रो स्टेशन पर भीड़ से अफरा तफरी। अप्रवासी भारतीयों के स्वागत के लिए ताज नगरी है तैयार, आगरा में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव करेंगे एनआरआई सम्मेलन का शुभारंभ। 30 देशों के 150 से ज्यादा प्रवासी भारतीय होंगे शामिल, कई एमओयू साइन होने की संभावना है।